इनकी खूबसूरत आवाज में आने वाले सब मुअज्जिन मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपकी मेज़बान सईदा किरण, और चांद से चेहरे, सितारों से लोग, खुशबू सी महफिल, बहारों से लोग, माशाल्लाह आज की महफिल खुशियों से भरपूर, और हम सब आज़ाद की सीडी की लॉन्चिंग तकरीब में हैं, और खुशियां जो होती हैं वो चेहरे से झलकती हुई नज़र आती हैं, और हमेशा की तरह आपकी मोहब्बतों से ये महफिल जो है ये सजी हुई है। और आज ख़ास तौर पे मुझे कहा गया कि मैं, क्योंकि मेरा आज़ाद का एक स्पेशल ताल्लुक है, और आज़ाद के बारे में मेरा ख्याल है कि जब बहुत शुरू में आया तो जितना मैंने उसे जाना, आहिस्ता आहिस्ता वो खुला, आहिस्ता आहिस्ता पहुँचा, लेकिन चूँकि सबसे आगाज़ में उसने और मैंने रेडियो इकट्ठा स्टार्ट किया, तो इस लिहाज से कुछ अच्छी सी यादें जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप इतनी मोहब्बत से जिसके लिए आए हैं अपने घरों से, तो आपको भी एहसास हो कि ये आज़ाद जो आज सितारों की तरह जगमगा रहा है, ये बहुत सीधा सादा सा लड़का था, बहुत ही गांव से आने वाला मासूम सा, जिसको कि बहुत शहर की तेज़ियों का पता नहीं था, और मुझे लगता था कि इसको शहर की तेज़ी आते आते बड़ा टाइम लगेगा, और मैं अक्सर इसको छेड़ा करती थी, और हमारी ये जो छेड़छाड़ थी ये हमारे अक्सर का मौजू बन जाती थी हमारे प्रोग्राम का, जिससे कि आप सब लोगों की मोहब्बत जो थी वो उसे और मज़बूत बना देती थी। ये खूबसूरत सा रिश्ता डिवेल्प होता चला गया आपके साथ, आज़ाद के साथ, और फिर इस रिश्ते ने आहिस्ता आहिस्ता एहसास दिलाया कि हम लोग, मोहब्बत बड़ी मज़बूत होती है ना, मोहब्बत में बंधे हुए लोग भी बड़े मज़बूत होते हैं, इस लिहाज से कुछ रिश्ते वक्ती तौर पे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बहुत पायदार से बन जाते हैं, तो हमारा भी एक ऐसा ही रिश्ता बन गया, एक तुकोन बन गई सुनने वालों की, आज़ाद की। और भी जो मज़ा मुझे उन प्रोग्राम्स का आया, या जो ओरिजिनलिटी उन प्रोग्राम्स में थी, और जो हमारी चिट चैट थी, और जो हमारी गुफ्तगू थी, निहायत ही सादा, और इस तरह की जो आप लोगों को अट्रैक्ट करती थी, आप लोगों को लगता था कि आपकी अपने वो मौजूआत हैं, आपके दिल से निकलते हैं, शायद इसी वजह से हमें पसीराई भी बहुत मिली, तो वो खूबसूरत दौर था, बहुत ही खूबसूरत, और हमेशा के लिए कुछ कहते हैं कुछ टाइम इस तरह के गुजरते, ज़िंदगी हमने बहुत सारी गुजारी होती है, लेकिन कुछ दौर या अखबार ऐसे होते हैं जो वहीं पर खड़े होते हैं और उतने ही फ्रेश होते हैं, हम जब भी पलट कर देखते हैं वो हमें वैसे ही तरोताज़ा मिलते हैं। आज़ाद के साथ रेडियो पे काम करना एक बहुत अच्छा तजर्बा रहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि आज़ाद बहुत सीधा साधा नहीं है, इसके अंदर और भी बड़े गुण हैं, और उन गुणों में से एक जो बहुत मतलब जब एकदम शो करते करते इसे कुछ भूत सवार हो जाता था, और ये कोई ना कोई गीत अपनी आवाज़ में, सुरीली सी आवाज़ में शुरू हो जाता, मैं सोचती थी कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा सिंगर भी है, और किसी दिन कंपेयर जो है वो नीचे रह जाएगा, सिंगर ऊपर आ जाएगा, मुझे अक्सर ऐसा लगता था, और फिर लोगों की तरफ मैं भी बहुत महसूस होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें कॉल आना शुरू हो गई, स्पेशली फरमाइश पे कि आज ये गीत सुना दें, आज ये गीत सुना दें, तो मुझे लगा कि इसका जो सिंगर है वो हावी होता चला जा रहा है कंपेयर पे, और यकीनन ये इसी रास्ते की भी शानदही थी जिस मंजिल पर ये आज खड़ा है, और ये मंजिल नहीं है, ये भी एक निशाने मंजिल है कि इससे आगे सितारों के जहां और भी हैं। फिर कुछ गीत आज़ाद ने हमें सुनाए, सुनने वालों को भी बहुत पसंद आए, तो इसने हमें बताया, बल्कि ये भी हमारे लिए एक इंकशाफ था कि इसका राइटर भी वो खुद ही है, यानी वो एक कहते हैं ना कि बहुत दर्दमंद दिल, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, शायद वो हसास तबीयत लोग जो होते हैं, और अल्लाह ताला कुछ लोगों को इस एज़ाज़ से नवाजता है कि वो उनके अंदर बहुत सारी खसूसियात जो है वो रख देता है। तो आज़ाद ने जो अपने मशहूर गीत हैं उनमें से बहुत से गीत खुद लिखे हैं, ये बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, और मुझे लगता है कि कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये मैं शेयरिंग करती चलूँ कि आज़ाद ना सिर्फ एक सिंगर है बल्कि एक शायर भी है, और उसने कुछ गीत खुद लिखे भी हैं, वो एक राइटर भी है। तो गांव से आने वाले सीधे साधे लोग जो होते हैं उनके अंदर एक जमान आबाद होता है, ये मुझे आज़ाद से मिल के अंदाज़ा हुआ। बेहद खूबसूरत शख्सियत,
हमेशा हर कदम पर बहुत ही ताउन करने वाला मददगार सा इंसान। यकीनन आप लोग जो इतनी उसकी मोहब्बत में खींच कर यहाँ तक आए हैं, तो आपको भी उसकी साथ की सच्चाई का सादगी का काफ़ी हद तक अंदाजा होगा। एक आइटम होगा था हमारा स्टोरी टाइम, तो कभी कभी ऐसा होना कि आजाद ने वो स्टोरी टाइम शूट करना, उसमें वो कोई भी एक स्टोरी बनाकर चलाया करता था शो के अंदर ही, मतलब 5 मिनट का एक सेगमेंट होता था। तो उसमें शो हमारा बड़ा चिल माहौल वाला, बड़ा चिट चैट वाला, बड़ा मजा चल रहा है और एक मजा चल रहा है, लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। एकदम से मोड चेंज हो गया, स्टोरी टाइम शुरू हो गया, कोई सैड सी स्टोरी और उसमें जिस तरह के कैरेक्टर, वो सारे कैरेक्टर वो खुद ही प्ले करता था, लेकिन ये भी उसकी एक खूबी मुझे लगी। शुरू शुरू में मुझे लगा कि पता नहीं कि स्टोरी टाइम कामयाब होगा, लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे लोगों के फ़ोन आते थे और लोग रो रो कर उस स्टोरी के बारे में पूछा करते थे, तो बाद में हम इसका बहुत दवा लगाते थे, इसकी बहुत चेता लगाते थे इसका कि आज़ाद आपने लोगों को किस चीज़ में मुबतला कर दिया, किस नशे पर लगा दिया है कि अब वो लोग अगर आप स्टोरी नहीं सुनाते तो वो लोग मुंतजर होते हैं, जी वो रेशमा वाली स्टोरी कहाँ तक पहुँची, वो रेशमा का क्या हुआ। मतलब मेरे लिए ये बड़ी मज़े की चीज़ें होती थी, एक बंदा जिसके अंदर इतनी सारी सलाहियतें हों, और एक वक्त आया कि मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता था इस ताल्लुक पे, और आज भी ये फ़ख्र मौजूद है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आज़ाद बहुत खरा, बहुत सच्चा इंसान है और शायद इसी में मीडिया में आकर शोबिज का सितारा बन जाएगा, नौजवान नस्ल का ट्रेंड सेटर बन जाएगा और समझदार लोगों के जज्बात का तर्जुमान बन जाएगा। आज की शाम हम आज़ाद के साथ मनाने आए हैं उसकी सीडी की लॉन्चिंग तकरीब में, और हमारी इस खूबसूरत सी महफिल में बहुत से सितारे मौजूद हैं, जगमगाते सितारे। मैं आपको एक छोटा सा तारुफ करवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मॉडल अदाकारा रिदा आसिम, मॉडल अदाकारा आयशा शेख, गुलकार इंजमाम, गुलकारा सेम, प्रोड्यूसर डायरेक्टर नवीद रजा साहब, कॉमेडियन गौपाल लहरी भी मौजूद हैं, साज गोल्ड कंपनी के सीईओ मलिक आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, शोबिज के सहाफी फैसल भट्ट, एम ए जामी हमारे साथ मौजूद है, और हमारी महफिल सजी है प्रिंस अमीन राजा गुलकार और दूसरे गुलकार बहुत ही खूबसूरत नाम ताहिर परवेज मेहंदी, और गुलकारा हैं हमारे साथ महनूर अली और ऑन टीवी के चेयरमैन जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं इब्राहिम फैज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ गुलकार आमिर समी खान मौजूद हैं। और ये जो फनकार होते हैं, आर्ट से मुंसलिक लोग होते हैं, ये बहुत नाजुक दिल के होते हैं, आपको पता है ये मोहब्बतों से जीते हैं, इन्हें एनर्जी के लिए आपकी तालियां चाहिए, आपकी एप्रिसिएशन चाहिए, आपकी पसंदीदगी चाहिए और आपकी मोहब्बत चाहिए। तो इन सब के लिए तो यकीनन माओ के चांद तो सब ही हैं, हम भी अपनी माओ के चांद हैं, आप भी अपनी माओ के चांद हैं, पर ये जो सोना मुंडा है, हम सब ने इसकी साद की खूबसूरती को, सफात की खूबसूरती को महसूस किया और आज इसी के इकरार में हम यहाँ मौजूद हैं। तो आपको हम आज़ाद के गानों की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं पहले। जी, आज़ाद के गानों की रहने वाले लोग हैं हम, आपकी तालियों में कमी ना हो।
पूरी स्क्रीन पे ले आ, पूरी स्क्रीन कौन है सारी पूरी स्क्रीन नहीं पकड़ा पूरी स्क्रीन अपनी स्क्रीन पे कर और खोल बड़ी स्क्रीन पे करता है सिर्फ स्क्रीन स्क्रीन और कुछ ना हो आवाज खोल
ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 2009 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਕਤਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸ ਡਗਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਐਫ ਐਮ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਬਸ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਤੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਾਸਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਮਾਦਾਰੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ 2016 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਿੰਗਰ ਦੇਣ, ਪਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਾਰਕ ਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਨ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚੇ ਔਰ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਰਖ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਲਕ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਔਫਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਵਾਈਟ ਹੋਣੇ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੀ ਵੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋ ਡਬਲ ਡਬਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਲਬਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਡੀਵੀਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਨ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੋਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਿਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੋਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੋਲ ਦੀ ਵੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਲ ਇਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੋਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਉਰਟੀ ਖਦਸ਼ਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੌ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਧੀਰ ਅਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ 95 ਔਰ ਵਾਹਿਦ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਮਨਾ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਫੋਨ ਚੂਨ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਹਾਦੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ।
अच्छा जी हम प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं क्योंकि मेरा ख्याल है कि कुछ लोग देखना चाह रहे हैं कि साथ भाई बहुत सीरियस लगता है सीरियस नहीं चलेगा सिस्टम लेकिन उससे पहले मैं अपनी को-होस्ट को दावत देगा समरीली बहुत सारे तालियां फिर और जिस तरह के तुसी आजाद दी सीडी लॉन्चिंग च आए हो और थोड़ा सारे दा बहुत सारा शुक्रिया साडे नाल काफी सारे लोग मौजूद ने सिंगर ने कॉमेडियन ने और थोड़े सारे दा शुक्रिया कि तुसी इस प्रोग्राम नु खूबसूरत बनाओगे सारे दे नाम मेंशन कर दिए जिस तरह सईदा किरण ने लेकिन सानू हुणे हुणे ज्वाइन कीता मलिक एहसन ने और ये भी खूबसूरत आवाज है मलिक यानी कि सिंगर ने सो असी कोशिश करांगे सारे रल मिल के कोशिश करांगे कि तुहाडा ए शाम थोड़ा दिन बहुत बनने खूबसूरत साडे नाल उस तो इलावा आजाद मैं एक चीज नोटिस कर रही हूं तुसी भी कर रहे हो जेलस नहीं होता जेलस आपस दी गल है आपस दी रखना मैं जेलस नहीं होती क्योंकि मुझे पता मैं सो चलो सो के करोगे क्यों क्योंकि मैं नहीं सो रहा हूं तुसी कहंदे हो तुसी सोने पे क्योंकि थोड़े अम्मी जी कहंदे ने मुझे तो पता है और मैं जरूर सुनते रहेंगे लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा जो म्यूजिक हो गया हाँ बिल्कुल जिस मकसद से